नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो थोड़े थोड़े टाइम बाद ना मैं अपने घर में कुछ कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, ताकि घर जो है ना हमेशा एक नया और रिफ्रेशिंग लगे। एक ही टाइप का जब लुक हम रखते हैं तो घर थोड़ा बोर लगने लगता है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने घर में कुछ कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। जैसे कि कुछ पुरानी चीज़ों का जगह चेंज कर देती हूँ या फिर कुछ नए चीज़ें ऐड कर देती हूँ, ताकि घर को हमेशा एक नया लुक मिले। और अभी फेस्टिवल के लिए ना मीशो में बहुत अच्छा सेल चल रहा है, बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। तो मैंने भी अपने घर के लिए कुछ होम डेकोर आइटम मंगवाए हैं, जो इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आर्टिफिशियल प्लांट है। यह प्लांट आपने मेरे पहले भी वीडियो में देखा होगा, एक मेरे पास ऑलरेडी है, एक और मैंने मंगवाया है, और पहले वाला भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है और इस एरिया के लिए मुझे चाहिए था, तो मैंने एक और मंगवा लिया है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है और अभी सेल पे ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिला, तो इसीलिए मैंने एक और मंगवाया है। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, मैंने कुछ लेटस मंगवाया है, मैंने होम की लेटस मंगवाया है। तो ये इनकी जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ी और डिसेंट है। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं ये मंगवाऊँ और फाइनली मैंने ये ले लिया है। इसके पीछे जो है ना एडिसिव टेप लगा हुआ है ताकि इसको पेस्ट कर सके, तो मैं ये होम इस जगह के लिए मंगवाया है। और इसको लगाने के बाद ये जगह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सारे प्रोडक्ट के लिंक जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे अगर आपको लेना है तो आप वो चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये एलईडी कैंडल लाइट है। दिवाली भी आ रहा है तो मैंने सोचा पहले से इसको मंगवा के रख लेते हैं, डेकोरेशन के लिए काम आएगा। तो ये जलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये ओरिजिनल कैंडल जैसा ही लग रहा है। और ये मुझे 12 पीस के सेट में मिला है। और ये एलईडी कैंडल जलने के बाद ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दिवाली के लिए एक अच्छा ऑप्शन है डेकोरेशन के लिए, तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी क्यूट है और मेरा फेवरेट भी है। मैंने यहाँ पे बुद्ध के छोटे छोटे स्टेचू मंगवाए हैं और मुझे ये सेट ऑफ 4 में मिला है। ये 4 डिफरेंट कलर्स में है और इनके क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। एक का फिनिशिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ बाकी जो है वो बहुत ही अच्छा है। और इनकी क्यूटनेस के आगे उतना डिफेक्ट तो चलता ही है। ये बहुत ही क्यूट लगा मुझे, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने अपने मंदिर के लिए मंगवाया है। तो ये 2 MDF वुड के वॉल डेकोर है, पीछे इसके डबल साइडेड टेप लगा हुआ है ताकि इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ, जब मैं मंदिर डेकोरेट करूँगी तो इसको अच्छे से लगाऊँगी। ये कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है इसका कलर, लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने वॉल फ्रेम मंगवाया है। ये सेट ऑफ 4 में मुझे वॉल फ्रेम मिला है, इसमें पॉजिटिव कोट्स लिखे हुए हैं। और ये जो फ्रेम है ना ये काफ़ी कलरफुल और ब्राइट है, देखने में ये बहुत ही सुंदर है। और अभी मैं आपको इस वॉल पे लगा के दिखा रही हूँ। ये वॉल फ्रेम भी मैंने कहीं और लगाने के लिए मंगवाया है, तो अभी यहाँ पर लगा के आपको दिखा रही हूँ। इन फ्रेम को कहाँ और कैसे यूज़ करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रिसेंटली मैंने मीशो से मंगवाए हैं। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए मेरा वीडियो बस यही तक था। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए।